हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति। वेलकम बैक इन माय चैनल प्रीतीज केक एंड कुकिंग। आज हम लोग बनाएंगे मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड मुंबई मसाला टोस्ट सैंडविच। इस सैंडविच को खाने से इसके हर बाइट में बहुत ही अलग स्पेशल टेस्ट है इसका। और इस सैंडविच की हम एक स्पेशल चटनी भी बनाएंगे और इस सैंडविच के लिए हम एक स्पेशल सैंडविच होममेड मसाला भी तैयार करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम सैंडविच का आलू का मसाला रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने एक नॉनस्टिक चौड़ी कढ़ाई ले ली है। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तो हम उसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देंगे जीरा। जब जीरा भी अच्छे से तड़क जाएगा तो हम इसमें देंगे 1 बड़ा चम्मच राई। यहाँ पर हम राई को अच्छे से चटकने देंगे, तभी इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और फिर यहाँ पे हम देंगे 1 चुटकी हींग। और यहाँ पर मैंने 4 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक और 2-3 हरी मिर्च को मैंने कूट के यहाँ पे यूज़ किया है। इन सभी को हमें अच्छे से सेकना है, मतलब कि इन सभी को हमें लाइट ब्राउन सा कर लेना है। यहाँ पर स्पेशली हमें लहसुन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, क्योंकि अगर लहसुन कच्चा रह जाएगा तो लहसुन का यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मैंने 7-8 करी पत्ते लिए हैं। और फिर यहाँ पे मैंने 1/4 कप चॉप्ड हरा धनिया लिया है। और यहाँ पे हम इसको भी अच्छे से सेक लेंगे 15-20 सेकंड के लिए। अभी यहाँ पे हम हमारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इन सभी मसालों को भी हमें हल्का सा रोस्ट करना है। मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो अभी यहाँ पे हम 4-5 उबले हुए आलू लेंगे। आलू को मैंने हाथों से मैश किया है, तो मैश करके हम आलूओं को मसालों में ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर हमारे आलूओं में थोड़े से मोटे टुकड़े भी रह गए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें आलूओं को 2-3 मिनट तक लगातार चलाते हुए सेकना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा बहुत ही मसालेदार और चटपटा आलू का मसाला बनके तैयार है। तो अभी यहाँ पे हम आलू के मसाले को एक ट्रे में निकाल लेंगे और उसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे हमारे सैंडविच का बहुत ही मैजिकल और स्पेशल मसाला। इस मसाले से हमारे सैंडविच में एक एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हम एक पैन लेंगे। एक पैन में हमने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच साबुत काली मिर्च और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे लिया है लौंग। इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। फिर हम इन सभी खड़े मसालों को एक मिक्सी के जार में डालेंगे। और यहाँ पे अभी हम 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून काला नमक और 1/2 टेबल स्पून हम यहाँ पे नॉर्मल नमक का यूज़ करेंगे। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा मैजिकल सैंडविच मसाला बनके तैयार है। इस मसाले को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और किसी भी सैंडविच या पकौड़े में आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस बॉक्स में इसको स्टोर कर लिया है। अब इसकी हम लिड लगा के इसको रख देंगे। और यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट बनाएंगे इसकी चटनी। अभी यहाँ पर सैंडविच की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप धनिया पत्ता ले लिया है। और यहाँ पे हम 10-15 पुदीने के पत्ते लेंगे। और यहाँ पे फ्रेश करी लीव्स ली है 7-8 पत्ते। और यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्च ली है। और यहाँ पे कुछ मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, लगभग 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे जो हमने सैंडविच का मसाला रेडी किया था वो मसाला हम इसमें डालेंगे, इससे चटनी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने वो मसाला डाला है। और चटनी को गाढ़ी और थिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा लिया है, इसे डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। इससे चटनी का जो टेस्ट है और जो चटनी की जो बॉडी है वो बनेगी। और यहाँ पे हमने नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और थोड़ी सी हम यहाँ पे आइस क्यूब लेंगे, जिससे हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल हरी हरी रहे, उसका जो कलर है वो बिल्कुल भी ब्लैकिश ना हो। तो उसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी चटनी अच्छे से ग्राइंड होके रेडी है। तो आप देखिए, यहाँ पे हमारे सैंडविच के लिए चटनी भी रेडी है, आलू का मसाला भी रेडी हो गया है और हमारे सैंडविच का मसाला भी रेडी हो गया है। तो अभी हम सैंडविच रेडी करते हैं। तो सबसे पहले सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पे सैंडविच ब्रेड ले ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 ब्रेड लेंगे। ब्रेड के चारों तरफ इवनली हमें सॉफ्ट बटर अप्लाई करना है।
बटर हम इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारी जो ब्रेड है वो चटनी लगाने के बाद में सॉगी नहीं होगी और हमारी सैंडविच जो है वो बहुत टाइम तक क्रिस्पी रहेगी। तो यहाँ पर हमने एक ब्रेड पे अच्छे से सॉफ्ट बटर लगा लिया है, इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड पे भी सॉफ्ट बटर लगा लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से इवनली चारों तरफ ग्रीन चटनी लगा देंगे। चटनी आपको कम या ज़्यादा जिस तरह से पसंद है उस तरह से आप लगा सकते हैं। इसी तरह से हम दोनों ब्रेड के ऊपर चटनी लगा लेंगे। यहाँ पर हमने ब्रेड के ऊपर चटनी लगा ली है, तो अभी चटनी लगाने के बाद ब्रेड के ऊपर हम चीज़ स्लाइस रखेंगे। चीज़ स्लाइस की जगह आप चीज़ क्यूब भी ग्रेट करके लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम आलू के मसाले की इस तरह से बॉल्स रेडी करेंगे और इस तरह से उसको हाथों से फ्लैट करते हुए उसको हम ब्रेड के ऊपर रखेंगे। अभी यहाँ पे हम इसके ऊपर कच्ची कट की हुई स्लाइस में वेजिटेबल्स रखेंगे, जैसे कि हमने स्लाइस कट किए हुए ऑनियन लिए हैं वो हमने रखे हैं, और यहाँ पे हमने स्लाइस कट की हुई राउंड शेप में काकड़ी रखी है। आप काकड़ी की जगह खीरा भी रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम कैप्सिकम को भी मैंने इस तरह से स्लाइस गोल कट कर लिया है, उसको भी हम वेजिटेबल्स के ऊपर रख देंगे। और लास्ट में हम सभी वेजिटेबल्स के ऊपर अच्छे से हमने जो सैंडविच मसाला बनाया था उसको हम स्प्रिंकल करेंगे और दूसरी ब्रेड को हम उसके ऊपर कवर कर देंगे। अभी हम यहाँ पे इस सैंडविच को हम टोस्ट करेंगे, क्योंकि सैंडविच का नाम ही है मुंबई मसाला टोस्ट सैंडविच, तो उसको हम टोस्ट करेंगे तभी इसका टेस्ट आएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टोस्टर ले लिया है। टोस्टर को मैंने पहले से ही 5 मिनट तक प्री हीट कर लिया था। तो अभी हम इसके ऊपर इस तरह से बटर अप्लाई कर देंगे चारों तरफ और ब्रेड को हम रखेंगे। एक बार में यहाँ पे हमारी 2 सैंडविच बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक तरफ ब्रेड के ऊपर बटर लगा देंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ब्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा बटर अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो ब्रेड है वो ऊपर से बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेगी, सॉगी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इस तरह से बटर अप्लाई करिए कि बस आपकी ब्रेड ऊपर से अच्छे से कवर हो जाए। तो अभी हम ब्रेड को टोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ब्रेड को 5 से 7 मिनट के लिए टोस्ट करना है। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अभी हम टोस्टर खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ब्रेड है वो देखिए काफ़ी क्रिस्पी लग रही है ऊपर से देखने से। तो अभी हम एक एक करके सैंडविच को बाहर निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम ब्रेड को बीच से कट कर लेते हैं। ये जो रेसिपी है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये, और खाने में बहुत ही चटपटी और टेस्टी। तो देखिए यहाँ पे हमने ब्रेड को चारों तरफ से कट कर लिया है। तो देखिए इसके अंदर का टेक्स्चर देखिए, बहुत ही देखने में डिलीशियस लग रहा है। तो अभी यहाँ पे हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे दोनों ब्रेड्स को। यहाँ पर हम ये सैंडविच बिल्कुल मुंबई स्ट्रीट स्टाइल बनाएंगे, तो उसको हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसके ऊपर की जो लेयर है उसको हम और भी डिलीशियस और देखने में बिल्कुल ब्यूटीफुल बनाएंगे, ताकि खाने में हमको मज़ा आ जाए। सैंडविच के ऊपर हम हल्का हल्का बटर लगाएंगे, अच्छे से हम चारों तरफ हल्का हल्का बटर अप्लाई कर देंगे। और बटर अप्लाई करने के बाद में हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे। चटनी लगाने के बाद में हम यहाँ पे सैंडविच के ऊपर चीज़ क्यूब को ग्रेट कर देंगे, और चीज़ लगाने के बाद में हम इसके ऊपर थोड़ी सी नायलोन सेव या झीनी सेव स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही डिलीशियस खाने में चटपटी मुंबई मसाला टोस्ट सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी है। इसको आप ग्रीन चटनी के साथ में और लाल चटनी के साथ में सर्व कीजिए। तो यहाँ पर हमारी ये मसालेदार चटाकेदार और बहुत ही डिलीशियस खाने में मुंबई मसाला टोस्ट सैंडविच तैयार है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ट्राई इट नाउ एंड एंजॉय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको मेरे सभी इसी तरह के न्यू वीडियोस की रेसिपीज़ मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।